Online student, check your audio and video. All clear. चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कैमरा कुछ दिक्कत है शायद, है ना, इसलिए फोटो मेरा नहीं आ रहा होगा, लेकिन स्क्रीन क्लियर होगा मेरे हिसाब से, है ना, चल जाएगा आराम से, है ना। ठीक है, आज सुबह तो हमको ठीक नहीं लग रहा था, आज मैच चल रहा था क्या, जो बोल रहे थे जगदीश, पढ़ाई वढ़ाई थोड़ी हुआ होगा, ट्यूशन में तो पढ़ेंगे कल क्लास, टेक्निकली देखोगे तो मंडे से ही होगा, लेकिन अकाउंट्स क्लास मैं तो पढ़ाऊंगा, मतलब बाकी पढ़ेंगे नहीं पता, मैं पढ़ाऊंगा, हाँ हम लोग पढ़ेंगे, जितने आएंगे उतने पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। कंप्यूटर वम्प्यूटर लग गया है क्लास में? नहीं लगा, आज सेट हो जाएगा, तो कल से अगर बाकी सर मना के पढ़ाएं तो अलग बात है, प्रिंसिपल से अगर हाँ बोले तो तबियत ठीक नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में क्या पता है, थोड़ा सा तुम अगर ऐसे ओवरऑल सिचुएशन रिव्यू करोगे तो मैक्सिमम लोगों का तबियत खराब है, तुम थोड़ा सा जान पहचान में पता करो, मतलब बस तो वही है, टेस्ट नहीं किए हैं तो ठीक है, टेस्ट करेंगे तो बहुत पॉजिटिव आ जाएगा बहुत जन का, मुझे लग रहा है आ जाएगा वही बात है बस और कुछ। ऑनलाइन वाले देखो स्टार्ट करेंगे, पिछले क्लास में हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना सीख लिए थे, ठीक है, उसका अकाउंटिंग एंट्रीज बचा हुआ है, कनाडियन का ना अकाउंटिंग फॉर हो गया पिछला क्लासेस, थोड़ा सा हुआ है कि थोड़ा सा बच्चा है, डेथ का एक क्लास बच्चा, एक ही क्लास है वैसे, ठीक अकाउंटिंग फॉर शेयर ऑफ अकाउंटिंग फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ, ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे कि हाउ टू एस्टिमेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दो था, एक था टाइम बेसिस और दूसरा था सेल्स बेसिस, ठीक है, अब उससे हम लोग प्रॉफिट टू एस्टिमेट कर लिए, अब उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, पहला दो केसेस के अंदर हेडिंग करना पॉइंट नंबर वन, व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among remaining partners
डज नॉट चेंज। सर ये डेथ ऑफ अ पार्टनर का सेकंड क्लास है ना? हाँ हर्ष सेकंड क्लास है, एक क्लास ही था खाली हुआ है अभी तक। व्हेन पीएसआर अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स डज नॉट चेंज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तीन पार्टनर थे ए बी एंड सी, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ठीक है। नाउ सडनली लेट्स से इफ सी डाइज, सी डाइज, ठीक है। अब सी के डेथ के बाद ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:2, ठीक है। तो पहले भी ए और बी के बीच में कितना रेशियो था, 3:2:2 ही था ए और बी के बीच में पहले भी, और अब सी के डेथ के बाद अब भी ए और बी के बीच में क्या रेशियो है, 3:2:2। इसको बोलते हैं व्हेन पीएसआर अमंग द रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज, मतलब आपस में जो पीएसआर है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब चेंज नहीं हुआ है तब हमको कुछ नहीं करना है, जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है पार्टनर का उसको हम लोग उतना प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे। लेट से 10,000 रुपीज हम प्रॉफिट में उसको हिस्सा दे दिए, ठीक है, या तो टाइम बेसिस से निकाल कर या फिर सेल्स बेसिस से। अब जब ईयर का एंड आएगा, ईयर एंड आएगा जब, और रियल में प्रॉफिट पता चलेगा कितना हुआ साल भर में, ठीक है। तो साल भर में प्रॉफिट हुआ लेट से 2 लाख रुपए, ठीक है। तो अब ए और बी इसको कौन से रेशियो में बांटने वाले हैं, 3:2:2 में। पहले भी 3:2:2 था, अभी भी 3:2:2 ही है, ठीक है। दैट मीन्स गेनिंग रेशियो भी 3:2:2 ही होगा, हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो विल ऑल्सो भी 3:2:2, ठीक है। तो ईयर के एंड में ये लोग क्या करेंगे, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ जिसमें से 10,000 तो हम सी को दे दिए थे पहले, बचा हुआ 1,90,000 ये लोग बांट लेंगे कौन से रेशियो में, ए एंड बी, इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसे है कि ए और बी के बीच में आपस में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग डेथ के दिन क्या करेंगे, डेथ के दिन हम लोग सिर्फ सी का प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा निकाल लेंगे और उस प्रॉफिट या लॉस में हम उसको हिस्सा दे देंगे, ठीक है। क्या एंट्री होगा देखना, लिखेंगे, हटा रहा हूँ ये, ठीक है। लिखना पॉइंट नंबर 1 उसके अंदर। फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट में हिस्सा देने के लिए, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस, एक नया अकाउंट खुलता है, नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2, डिजीज पार्टनर को पैसा दे देंगे तो उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है इतना, और कुछ करने का जरूरत नहीं, बस प्रॉफिट में उसको हिस्सा दे दो, ठीक है। पार्टनर को पैसा मिलेगा इसलिए पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हुआ, और अभी हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बना रहे हैं इसलिए एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किए हैं, वो अकाउंट का नाम है पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, नहीं ये वाला कोई रेशियो में नहीं होगा, जितना अमाउंट निकला
डायरेक्टली डिजिस पार्टनर को उतना पैसा दे रहे हैं। गेनिंग रेशियो वाला आएगा अभी, मतलब सेकंड में है वो, पर शेयर ऑफ लॉसेस ऑपोजिट होगा, लिख लो। डिजिस पार्टनर से पैसा लेंगे तो उसका कैपिटल डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्लियर होगा ये एकदम ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, अगर आपस में रेशियो बदल जाएगा तो क्या होगा। When PSR among जैसे P&L appropriation बनता है, नहीं वैसे हम लोग पूरा नहीं बनाएंगे P&L suspense, तो खाली एक मतलब उसका ऐसे अकाउंट नहीं बनेगा कुछ और। जब ईयर का एंड आएगा ना, ये जो P&L सस्पेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे P&L appropriation अकाउंट। इसका पैसा आएगा कहाँ से? देखो इसका पैसा कहाँ से आएगा, अभी तो प्रॉफिट हुआ नहीं है रियलिटी में, जैसे ये बैलेंस शीट है ठीक है, तो इधर साइड वो डिजिस पार्टनर कैपिटल इंक्रीज हो गया क्योंकि हम क्रेडिट कर दिए तो कैपिटल बढ़ा, इधर साइड आएगा बैलेंस शीट में P&L सस्पेंस जो भी इसका अमाउंट होगा, बैलेंस शीट टैली करेगा ठीक है। अब ईयर के एंड में हम क्या करेंगे, इस P&L सस्पेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ठीक है। तो अभी पैसा आया नहीं है कहीं से, अभी सच में तो अभी प्रॉफिट कितना हुआ हमको पता भी नहीं है, तो हम एक बार के लिए कैपिटल को बढ़ा दिए उतना से, है ना, एक बार उतना से कैपिटल को बढ़ा दिए और उतना ही रुपए एसेट साइड में एक बार के लिए लिख दिए ताकि एक बार इसको जितना देना है सेटल हो जाए, फिर ईयर के एंड में हम इसको क्लोज कर देंगे ठीक है। हाँ रिवैल्यूएशन नहीं, एक्युमुलेटेड लॉसेस के जैसा ये, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, याद है एक्युमुलेटेड लॉसेस, उसके जैसा ये एक अकाउंट डेबिट किए। हाँ नेक्स्ट, व्हेन PSR अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस, व्हेन PSR अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स चेंजेस, अब यहां पर क्या हुआ देखना, ए बी और सी का रेशियो चल रहा था 3:1 ठीक है, अचानक से सी का डेथ हो गया ठीक है, और सी के डेथ के बाद ए और बी डिसाइड किए कि फ्यूचर रेशियो जो होगा वो होगा 2:1 ठीक है। अब सी के डेथ के समय कितना पैसा देना है हम उसको कैलकुलेट किए, एस्टिमेट किए उसको, और लेट से अमाउंट आया वही 10,000, तो हम एंट्री पास कर दिए P&L सस्पेंस टू सी 10,000, ये एंट्री तो कर दिए हम ठीक है। अब ईयर के एंड में सपोज प्रॉफिट हुआ 2,00,000 रुपए ठीक है, अब ये 2,00,000 का प्रॉफिट कौन से रेशियो में बटना चाहिए, न्यू रेशियो डेट इज 2:1 ठीक है, लेकिन ये जो 10,000 है ये माइनस होगा क्योंकि 2,00,000 तो एक्चुअल में 2,00,000 थोड़ी प्रॉफिट है, 2,00,000 में सी को तो 10,000 तुम दे चुके हो ऑलरेडी, तो 10,000 यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और प्रॉफिट 1,90,000 ये बटेगा 2:1, लेकिन इसमें ए और बी के बीच में झगड़ा होगा फ्यूचर में, क्यों, क्योंकि पहले रेशियो कुछ और था अब रेशियो कुछ और है, ये 10,000 कौन से समय का है, पुराने समय का है जब रेशियो 3:2 था ठीक है, और उसको हम लोग यहां से एडजस्ट कर रहे हैं,
तो फ्यूचर में झगड़ा होने वाला है क्योंकि रेशियो अलग अलग था अलग अलग टाइम पर, इसीलिए हम ये झगड़े को अवॉइड करने के लिए हम पीएनएल सस्पेंस को ईयर एंड तक लेकर नहीं जाना चाहते। हम यहीं पर इस पीएनएल सस्पेंस को ए और बी के बीच में बांट कर खत्म कर देंगे। तो एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा यहाँ पर, टू पीएल सस्पेंस ए और बी के में डेबिट करके, दैट इज इन गेनिंग रेशियो। ऐसा करने से क्या होगा, पीएल सस्पेंस क्लोज हो गया, अब ईयर के एंड में सीधा 2 लाख डिवाइड होगा 2:1। समझ नहीं, 2 लाख का नहीं करना, वो तो एग्जांपल में बता रहा हूँ कि क्यों क्यों हो रहा है। हाँ ठीक, 2 लाख बताया भी नहीं हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब पीएसआर चेंज नहीं हुआ है तो कोई झगड़ा होने का कोई स्कोप नहीं है, ओल्ड रेशियो भी 3:2, गेनिंग भी 3:2, न्यू भी 3:2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 10,000 रहने देते हैं, ईयर एंड में देख लेंगे, तो वहां से माइनस करके बाकी पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन जब चेंज हो गया है रेशियो, वहां पे डिस्प्यूट का चांसेस है, क्योंकि ओल्ड रेशियो अलग है, गेनिंग रेशियो अलग है और न्यू रेशियो अलग है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस दिन डेथ हुआ उस दिन ही पीएल सस्पेंस अकाउंट को भी उसी दिन क्लोज कर देंगे, ठीक है, और कौन से रेशियो में डिवाइड करके, गेनिंग रेशियो। समझ में आ रहा है, तो जब रेशियो चेंज होगा तो वहां 2 एंट्री होगा, जस्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर डिस्प्यूट्स, ठीक है, लिखना पॉइंट नंबर 1, अगर प्रॉफिट हुआ तो, फिर पॉइंट नंबर 2 लॉस हुआ तो, फर्स्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। फॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, पहले तो वही एंट्री होगा जो एंट्री होता है प्रॉफिट का, ये का एंट्री तो होगा ही, अब क्योंकि अलग अलग रेशियो अलग अलग में, तो ये पीएल सस्पेंस को हम इसी दिन क्लोज कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट बिटवीन द पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो, ठीक है। होगा जो डायरेक्ट करने से भी होगा, ठीक है, अगर इसको हम एक एंट्री करना चाहें तो भी वो होगा, दैट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग टू रिटायरिंग या डिसीज्ड, जो भी सोच लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली गुडविल का ही एंट्री भी है, जबरदस्ती पीएल सस्पेंस ओपन किए और फिर क्लोज कर दिए, ठीक हाँ सही होगा, डायरेक्ट लिखने से भी सही होगा, है ना, बुक में आंसर में भी तुम देखना अल्टरनेटिवली करके वो वाला एंट्री भी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर ऑफ लॉस, हो जाएगा खुद से, करो एंट्री, उल्टा एंट्री होगा प्रॉफिट से, हाँ ये वाला लिख लो यहाँ पे, है ना, ये लिख लो यहाँ पे, हाँ गेनिंग, पहला डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू पीएल सस्पेंस, ठीक है, इन गेनिंग रेशियो, देखो ऑनलाइन वाले क्लियर है इतना, अच्छा नए दिख रहे इसमें,
पुराने हैं सब, देव देव नया दिख रहा है इसमें। बहुत दिन से नहीं आ रहा था देव। हो गया इतना, लिखे एग्जांपल, लिखना। ABNC are partners sharing five to three to two. B died on 12th October 2021. A and C ANC decided to share future profits in the ratio of 7:3. Second case है, ratio change हुआ है आपस में, ठीक है, full show. Profit for 31/3/2021 5 lakhs. पिछले साल का सेल्स 40 लाख, कैलकुलेट बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पास जनरल लेटर, ठीक है, करो खुद से करो। इसको ना 24 लाख कर लो, शायद पॉइंट में आ रहा है बंदा, 24 कर लो तो ठीक रहेगा। पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना, कुछ भी कैसे चलेगा, उल्टा नहीं आ जाएगा आंसर। प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू सेल्स ऑफ करेंट ईयर,
हाँ करेक्ट है सेनॉन। हर्ष चेक करो एक बार। साहिल सही है। हाँ गेंद निकालना पड़ेगा पहले, ट्विस्ट बना रहा होगा। 60,000, 30,000। बी का शेयर निकालना हमको, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है पिछले साल में 5 लाख का, कितने लाख का सामान बेचकर? 40 लाख का। तो 1/8 है प्रॉफिट, जितना सेल करते हैं 1/8 होता है प्रॉफिट। तो इस बार सेल किए 24 लाख का, तो उस हिसाब से 24 लाख का 1/8 हुआ होगा प्रॉफिट, 3 लाख रुपए, ठीक है। उसमें जिसका डेथ हुआ है उसका हिस्सा 3/10। तो बी का हिस्सा आ गया 90,000, ठीक है। अब हमको निकालना होगा गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि यहाँ पर रेशियो चेंज हो रखा है, दिख रहा है रेशियो चेंज है। ए का पहले था 5/10, अभी वह 7/10, तो 2/10 का गेन है, ठीक है। और सी का पहले कितना है, 2/10, अभी 3/10, तो 1/10 का गेन। 2:1। इंटू 2/10 नहीं, अंशुल, इंटू 2/3। हाँ सी को मारो हमेशा हर्ष, हमेशा सब सी के हिसाब से निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे ए और सी का हिस्सा, 90,000 का 2/3। हाँ होगा, जो बिना सस्पेंस बनाया भी होगा एंट्री, ठीक है। पेयर सस्पेंस टू बीस कैपिटल 90,000, 90,000। पीएल सस्पेंस ठीक है, हम चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते थे और एक एंट्री में भी कर सकते हैं, और वो सही भी है, अगर हम ये दोनों कैंसिल करें तो भी चल जाएगा, इसके जगह में एक एंट्री बनेगा। या तो ये दोनों करोगे या एक करोगे, और वो एक क्या होगा, ए सी टू बी, ठीक है। दोनों में से एक होगा, मतलब या तो ये दो या ये एक बस, ठीक है, तीनों नहीं होगा, ठीक है। देखो ऑनलाइन वाले इतना क्लियर है कि नहीं,
है देखना, एक दो क्वेश्चन बुक से देखेंगे, एक्सरसाइज में आ जाओ। देख रहा एक्सरसाइज पेज नंबर 7.31 क्वेश्चन नंबर 15। करो खुद से स्टार्ट करो। 15 एक्सरसाइज नहीं है बुक, एक दे दो, लो लो अच्छे लोग हैं, दे दे। सही बात है, ज्ञान है बटना चाहिए, बोलो ना। हाँ रिटायरमेंट का। याद है ना ऑनलाइन वाले टेस्ट संडे है ना, रिटायरमेंट संडे इन्फॉर्म करूँगा 10-11 बजे तक रखेंगे। निरोगे 20 मिनट, 1 घंटा नहीं 45 मिनट। सर और 5 मिनट 5 मिनट करके 1 घंटा हो जाए। देखना हो जाएगा ये एक्स वाई जेड वाई पार्टनर्स इन अ फर्म जेड डाइड ऑन 31st May। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 completed years ऑफ प्रॉफिट बिफोर दैट, मतलब पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज उससे निकालेंगे। ठीक है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे दिया है, एवरेज निकालते हैं, निकालो एवरेज। एवरेज कितना रहा? 27 आ रहा है, तीनों को प्लस करके बाय 3। ठीक है, अब इसमें जो जिसका डेथ हुआ उसका हिस्सा निकाल लो, कौन मर गया देखो, जेड है ना, निकालो जेड का हिस्सा। थर्टी फर्स्ट मई को मरा, कितना महीना, मार्च कहाँ गया बीच में, मुझे नहीं पता, तुम बताया तो मैं लिख दिया। एवरेज 27 नहीं आ रहा क्या? ऑनलाइन वाले बताओ थोड़ा, तुम लोग भी कुछ तो कंट्रीब्यूट करो। अरे 18, 19, 17 क्या, तो 27 कहाँ आएगा, एक फिगर भी 27 नहीं है। सुनो मेरा बात, 18, 19, 17 ठीक है, ये 27 हो कैसे सकता है इसका एवरेज? तुम एक सब्जेक्ट में लाए 70, एक में लाए 71, एक में लाए 70, तो ये ओवरऑल पर्सन 90 हो सकता है ऐसा? एक फिगर 90 में नहीं है, समझ रहे हो ना, तो पूरा बहुत ही गलत है 27 तो। 18,000 रुपया ठीक है, देखो इसका 1 रुपया इसको दे दो, सबका 18 हो गया, हो गया 18,000 रुपया। ठीक है चलो आ जाओ, 18,000 रुपया आ गया प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे रिद्धि सही बताई थी, निकालो एवरेज, निकालो एवरेज हो गया, मतलब जेड का हिस्सा निकालो। अठारह हजार का प्रॉफिट में कितना महीना, 2/12 ठीक है ना, ये 2/12 दो महीना है ना, अप्रैल और मई दो महीना, मल्टीप्लाइड बाय जेड का शेयर
नहीं बताया ना कुछ, इक्वल है मतलब 1/3, 1000 आ रहा है शायद। आंसर नहीं दे रहे आंसर, कितना प्रॉब्लम हो जाता है ना। करना था फटफट देख लेते हैं हम लोग। 1000 ठीक है, जेड का हिस्सा। हाँ पहले आंसर देख लेते, ठीक है 1000 आ गया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज, और दूसरा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस। ठीक है करो, पहला डज नॉट चेंज का कर लो। गेनिंग निकालना, वो तो न्यू रेशियो है ना 3:2। सेकंड में पहला निकाल लो गेनिंग में एक्स और वाई का। पहले था 1/3, 4:2 बना रहा है। यह आ गया 3/5 और यह आ गया 2/5। 15 एलसीएम जाने से 5 - 9 4 आ रहा है शायद, है ना 4/15। 15 जाने से 5 - 6 1/15 आ गया। गेनिंग रेशियो 4:1, दोनों गेनिंग ही था। ठीक है कर लो एंट्री। एक ये तो होगा ही, ये एंट्री तो होना ही है सेम। एक और एक्स्ट्रा एंट्री होगा साथ में। XY2PL सस्पेंस करेक्ट था सोनू 4:1। ठीक है देखो कुछ डाउट है तो ऑनलाइन वाले इसमें करो, एक और करो 16 करो। ए बी एन सी वे पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ इतना, सी डाइड ऑन 30 जून, प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड इतना, मतलब पिछले साल का दिया है ये, वेर इतना एंड इतना, सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून वेर इतना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ सीज टिल द डेट ऑफ डेथ। खाली प्रॉफिट निकाल के बताना है, एंट्री भी नहीं करना है। ठीक है करो प्रॉफिट निकाल लो बस। तीन हजार आ रहा है, चेक करना 3000 आ रहा है क्या, 3000 है करेक्ट है सेनॉन 3000। पिछले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, सेल है 10 लाख, तो 10% का प्रॉफिट है। इस साल सेल हुआ 1.5 लाख, तो 15000 का प्रॉफिट है इस साल। 15000 में सी का हिस्सा निकाल लो 1/5, 15000 × 1/5 3000 रुपये आ रहा है। ठीक है इतना इजी है कि कोई फॉर्मूला थोड़ी है कोई, है ना, तो सिंपल सा बात है। 1 लाख प्रॉफिट हुआ 10 लाख का बेचने से, 1/10 का प्रॉफिट है तो 1.5 लाख का बेचने से कितना 15000, उसमें सी का हिस्सा 1/5 का 3000। ठीक है करो 17।
अजय भावना एंड श्रेया वर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ इतना इमोशनल कर रहा है क्वेश्चन सर। एक ही बच्चा है बेचारा का, वो बहुत परेशान रहता है, वो स्पेशली एबल्ड है सर। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग श्रेयस अकाउंट इज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ 20%। हमारे काम का चीज है 20%। ठीक है, अब तो 20 ही दे रहे ना, 10 हम लोग अच्छे हैं ना, तो नहीं नहीं 10 ही मिलेगा, तो बोला हम खराब हुए, तो बोल रहा है 20 दे देते हैं, तो ठीक है। ठीक है, तो दैट मीन्स द रेट ऑफ प्रॉफिट इज 20%, उस हिसाब से तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, करो खुद से, कैसे करोगे? इस साल का सेल्स को मल्टीप्लाई करना है 20% और क्या। ठीक है, वैसे हम 10% लेते नॉर्मली क्वेश्चन में, है ना, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 लेना है तो 20 ले लेना। मतलब बाकी लोग एग्री किए हैं, हम यही मान रहे हैं ना, अगर बाकी लोग एग्री नहीं करेंगे ना तो ये नहीं दिया जाएगा, 10 ही दिया जाएगा। हाँ, लेकिन फिर लिखा होता कि बाकी लोग एग्री नहीं कर रहे, फिर बोलता हम क्या करोगे बताओ, तो हम बोलते 10% ही मिलेगा, लेकिन जब ये नहीं बोल रहा कि बाकी लोग एग्री नहीं कर रहे, हम यही मान रहे हैं कि सब हाँ बोल रहे होंगे। ठीक है, श्रेया का शेयर आ रहा है 5600 शायद बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो कितना आ रहा है, तुम लोग 140,000 का प्रॉफिट हुआ, सेल हुआ है अभी तक, उस पर 20% का मार्जिन है, 28,000 का प्रॉफिट है। श्रेया का शेयर देख लो 1/5, ये आ गया समझ में, है ना, 140,000 के सेल में 20% का प्रॉफिट, 28,000 का प्रॉफिट हुआ अभी तक, उसमें श्रेया का हिस्सा 1/5, 5,600 ही आ रहा है। एंट्री तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 करना। लॉस बोल रहा है, जैसे प्रॉफिट वैसे ही लॉस, सेम तरीका है कैलकुलेट करने का। ठीक है, निकालो शेयर ऑफ लॉस। हो गया होगा, कितना आ रहा है, 15,000। चेक करना आंसर, 15,000 आ रहा होगा। पिछले साल का सेल है 12 लाख का और प्रॉफिट है, ये लॉस है 90,000 का, 90,000 बाय 12 लाख इंटू 9 लाख मल्टीप्लाइड बाय पार्टनर का हिस्सा कितना, 1/ करण मरा है क्या, पवन मरा ना, 2/6 ना, पवन का डेथ हुआ, ये 6 है क्या। ठीक है, हाँ 15,000 आ रहा है, एंट्री करना है इसका, क्या एंट्री होगा, करेक्ट उल्टा है ना, इसलिए करवाया कि डिजिट टू पीएनएल, कर लो एंट्री, पवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, तो
लॉस है तो उल्टा एंट्री। हो गया, हो जाएगा, बाकी होमवर्क लिखना। एक से 19 है ना, जितना हम कर लिए उसको छोड़ के 1 से 19 एक्सरसाइज। आधी घंटा भी नहीं लगेगा, तुम देख रहे हो 5-6 क्वेश्चन की हम लोग 10 मिनट भी नहीं लगा होगा, ठीक है, आधी घंटा भी नहीं लगेगा करने में। बाकी नेक्स्ट क्लास